Good morning, students. Day 13. Students, आज हम read करेंगे lesson tenses का. Tenses क्या होता है बेटा? Tenses होते हैं काल, जो हमारा time period होता है, उसे tenses बोलते हैं. Tenses क्या होता है? A tense show the time when an action had take place. कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी आप किस समय करते हैं. There are three main tenses. Tenses show the time of the happening of any action. मतलब उस टाइम को शो करता है जब आपने कोई भी काम किया होता है. जैसे वो काम प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है या फ्यूचर में किया है. Tenses कितने टाइप के होते हैं? Tenses थ्री टाइप्स के होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट किसे कहते हैं? जो आप प्रेजेंट में वर्तमान जो आपका चल रहा है उसे बोलते हैं. पास्ट जो आपका बीत गया है. फ्यूचर क्या होता है? आने वाली कल को हम बोलते हैं. प्रेजेंट टेंस स्टैंड्स फॉर और टुडे द प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टेंस किसको स्टैंड करता है? टुडे और प्रेजेंट टाइम को शो करता है प्रेजेंट टेंस. जैसे कि ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग एवरी डे. वह हर रोज क्या होता है? जल्दी उठ जाता है. My watch keeps right time. मेरी घड़ी जो है सही समय दिखाती है. ये क्या हो गया? हमारा present tense. अब past tense stands for the past or yesterday. Past tense किसको stand करता है? जो हमारा जो past है, जो tense है हमारा बीत गया है, जो हमारा समय बीत गया है उसको past tense show करता है. Example, I lost my watch last week. मैंने अपनी घड़ी पिछले हफ्ते क्या कर दी? Lost कर दी, गुम कर दी. ये क्या हो गया? जो गुम हो चुकी है, पास्ट है, बीत गई, वो हमारा पास्ट टेंस है. फ्यूचर टेंस जो होता है, फ्यूचर टेंस स्टैंड्स फॉर द लेटर और टुमारो. आने वाले कल को फ्यूचर टेंस आने वाले कल के लिए यूज किया जाता है. फ्यूचर टाइम के लिए जैसे आप कल जाएंगे, आप मार्केट जाएंगे. वी विल परचेज अ कंप्यूटर टुमारो. वो क्या करेगा? परचेज करेगा, खरीदेगा किसको? आने वाले कल में, मतलब कल जो आएगा उसमें टू क्या है? कंप्यूटर को खरीदेगा. I will buy a new watch. मैं क्या करूंगा? मैं नई घड़ी खरीदूंगा. buy खरीदूंगा, क्या खरीदूंगा? नई घड़ी को खरीदूंगा. present, ये हमारे तीन टेंसेस थे. present tense, past tense, future tense. present क्या हो गया? आने वाला जो अब आपका चल रहा है समय उसको बोलते हैं. past जो आपका बीत गया उसको बोलते हैं. future जो है आने वाले समय को बोलते हैं. अब है इनको हर प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी, फ्यूचर को भी, थ्री इनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फोर पार्ट्स में. प्रेजेंट के फोर पार्ट्स हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ऐसे ही पास्ट को डिवाइड किया है. पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ठीक है ना बेटा? ये है सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? इन दिस टेंस द वर्ब सिंपली एक्सप्रेस द एक्शन डन इन प्रेजेंट टाइम. जो एक्शन जो है प्रेजेंट टाइम में डन किया जाता है विदाउट इंडिकेटिंग एनीथिंग अबाउट द कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस ऑफ द एक्शन. जैसे आई लर्न इंग्लिश. ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट. और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या है? इन दिस टेंस द वर्ब शो द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन. द एक्शन इज इनकम्प्लीट. जो आप कर रहे हैं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ. जो आपका जो है इनकम्प्लीट है, इनपरफेक्ट है. और कंटिन्यू से क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस. परफेक्ट क्या होता है? जो आपका फिनिश हो गया, मतलब खत्म हो गया जो काम, वो क्या है? इन दिस टेंस द वर्ब शो एक्शन इज कम्प्लीटेड एंड द फिनिश्ड और परफेक्ट. वो क्या हो गया? हमारा परफेक्ट टेंस. ये हमारे बेटा फोर टाइप्स थे प्रेजेंट के. प्रेजेंट जो है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. आप इसको अच्छे से रीड करेंगे स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स.